खास खबर, नगीन नाथ ने की एसपी से निष्पक्ष जांच की मांग। छतरपुर शहर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने गुजरातियों को कट्टी के साथ पकड़ा था। पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर नगीन नाथ एवं तीन अन्य साथियों ने बताया कि हम लोग इलाहाबाद कुंभ के मेले में जा रहे थे, तभी छतरपुर पुलिस ने कट्टे का झूठा केस लगा दिया और झूठे मुकदमे में फंसा दिया है और पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष रूप से जांच की मांग की है। संतोष सिवारे की रिपोर्ट। हमारा गांव कोठम्बाई तहसील लुनावाड़ा डिस्ट्रिक्ट मईसागर है और हमारे चार बच्चे रियाद जा रहे थे गाड़ी लेके और मांगते खाते जाते थे। हम कोई धनपति नहीं है, मांग के खाते साधु है, फिर भी ये छतरपुर के अंदर मांगते खाते जाते थे तो एक वकील सर ने 10 रुपये दिए तो बाबा मुझे दुआ दो, तो उसने दुआ दिया एक रुद्राक्ष निकाल के, चलो ये दुआ है आप आपके गले में रखना, आप सुखी बनेगा। हम प्रयाग जा रहे हैं, भंडारा हो रहा है, कुछ खर्चा दे, तो उसने बोला कि पैसे नहीं है मेरे पास, 10 रुपये थे दे दिए, ये अंगूठी ले जाओ बाबा खर्चा करना। वो यहाँ से 20-25 किलोमीटर आगे गए, पीछे से पुलिस को जान किया, वो गाड़ी पकड़ा और चार बच्चे को मार मारा और संदीप चौधरी ने एक बच्चे पे कट्टा लिख दिया और एक के पे कारतूक लिखा। ये कानून नहीं बेकानून है, तो इसका हमको न्याय मिलना चाहिए। अभी हम एसपी ऑफिस आए हैं और एसपी साहब को हमारे अर्जी देने का है कि हमारे पास कट्टा नहीं, कट्टा आया कहाँ से, किसने रखा। तो हमारे खास विनंती ये है कि सरकार पुलिस हर कोई को बचाता है, तो ये संदीप चौधरी ने हमारे बच्चों पे कट्टा रख के पक्का गुना कर दिया और कारतूस रख दिया। और जयश्री साहब आए थे भोपाल से और कमिश्नर साहब